हेलो नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और रोजाना उसकी पूजा की जाती है, उस घर में कभी भी दरिद्रता और दुर्भाग्य नहीं आता। ऐसे घर में माता लक्ष्मी का वास रहता है। तुलसी की पूजा प्रतिदिन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी घर की नकारात्मकता को भी दूर करती है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे में तुलसी के पौधे को छूकर एक मंत्र अगर बोला जाए तो मन चाहा फल पा सकते हैं आप। तुलसी को छूकर मंत्र बोलने से पहले हमें क्या करना वो हम जान लेते हैं। आपको सबसे पहले तुलसी को प्रणाम करना है, उसके बाद अपने इष्ट देव की पूजा जरूर करना है। तुलसी जी को शुद्ध जल अर्पित करें, तुलसी जी को सिंदूर और हल्दी चढ़ाएं, यह तुलसी जी का श्रृंगार होता है। उसके बाद तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती जरूर करें। तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें, उसके बाद ही आप तुलसी को छूकर या तुलसी के मंत्र के जाप को जो स्क्रीन पर चल रहा है, इस मंत्र का जाप करने के बाद आपकी जितनी भी मनोकामना है, जो भी मनोकामना है, तुलसी जी को छूकर बोल देनी है। उसके बाद आप देखना आपकी कोई भी मनोकामना हो वो जल्द ही पूर्ण हो जाएगी।